हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का सिंक टॉकीज की नई वीडियो में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे ऐसा शो जिसकी ना कोई जरूरत थी, ना कोई इसको देखना चाहता था, और फिर भी पता नहीं नेटफ्लिक्स ने हमारे सर पे ये सीजन लाके क्यों पटक दिया। हमें पहला सीजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, फिर भी एक ऐसा सीजन हमारे सर पे लाके पटक दिया जिसको मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि मैं कल क्यों देख रहा था ये शो। मतलब ये एक ऐसा शो है जिसके बारे में ना मैं बात करना चाहता हूँ, ना मैं उसके बारे में सोचना चाहता हूँ, फिर भी मैं इस सीजन का रिव्यू कर रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, नेटफ्लिक्स ने पैसा बर्बाद किया तो मैं भी चलो वीडियो एक बना ही देता हूँ इस शो पर। I'm back. और इस सीरीज का नाम था इंडियन मैच मेकिंग सीजन 2। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये शो क्यों है और नेटफ्लिक्स पे क्यों है, और मगर ये शो है ही क्यों। मतलब इस शो में पता नहीं इस शो की टीम ने नेटफ्लिक्स को क्या बोला। उनको बोला होगा कि भाई ऐसा है, हम लोग फॉरेन की दो तीन चार ट्रिप मारेंगे, अधेड़ उम्र के लड़के लड़कियों को मिलवाएंगे और उनकी शादी करवाएंगे, और आप लोग दिखाना है कि इंडिया में मैरिज कल्चर जो है आज भी अरेंज मैरिज के हिसाब से ही होता है। और नेटफ्लिक्स खुशी खुशी मान भी गया, उनको पैसे भी दे दिए, उनको फॉरेन ट्रिप भी लगवा दिए, और सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ हो ना हो इनकी शादी तो होने से रही, चलो हमारा कुछ भला ही हो जाएगा, हमें कुछ पुण्य ही मिल जाएगा। Cute, nice smile. She would be 5'8". She would be loyal. Would have to get along with my dog. If the guy has a tattoo, that's a huge plus. If someone has enough hair to do a man bun, great. I'm ovo-lacto semi-vegetarian. I don't do a magical wish with a wand. I'm done with the life I thought I wanted. मतलब ये शो जो है जजमेंट की इतनी हाइट को क्रॉस करता है कि मतलब दो लड़कियां तो ऐसी है जो जिनकी शादी फर्स्ट सीजन में हुई, सेकंड सीजन में दोबारा आ गई, वो दोबारा आके अपने लिए लड़के देख रही हैं और उनको उसमें से भी कोई पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी डिमांड इतनी ज्यादा हाई है जो मतलब कि वो शाहरुख खान और सलमान खान भी पूरे ना कर पाए। मतलब उनको चाहिए लड़का वो जो डॉक्टर हो, साइंस के बारे में बात करता हो, लंबा हो, चौड़ा हो, और मतलब कि ऐसी चीजें हो उसमें जिसमें मतलब भगवान विष्णु भी उसमें कमियां ना निकाल पाए। मतलब ऐसी चीजें इस शो में दिखाई गई हैं जिनका कोई सर पैर है ही नहीं। मुझे नहीं पता कि ऐसे लोग कहाँ होते हैं, हमारे इंडिया में तो नहीं होते, जो शादी में इतना सब कुछ जो है देखते हैं या ऐसी डिमांड्स रखते हैं, वो भी मैच मेकिंग में। मतलब कि इस शो के बारे में मैं जितना बोलूँ ना, मतलब मुझे लग रहा है उतना ही कम है। मतलब ये शो, मतलब ये रिव्यू नहीं होगा, ये रोस्ट हो जाएगा। It's everything written in destiny. I'm just a person who God has sent me to match you all. शो का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है मगर इतने वाहियात तरीके से है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। एक मैच मेकर है इंडिया से, सीमा आंटी, उनको बुलाया जाता है, लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से उनकी कुंडलियां मिलाई जाती हैं, आपस में मिलवाया जाता है, फिर उन लोगों को दिखाया जाता है कि भाई ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है या नहीं। हाँ, इसमें एक और चीज भी है कि उसमें एक पंडित जी भी है, पंडित जी भी बताते हैं कि हाँ भाई ये इसकी जोड़ी बन सकती है, ये लड़का ऐसा है, ये लड़की वैसी है, मगर फिर भी वो पंडित जी बेचारे परेशान, इनकी शादी नहीं हो रही, सीमा आंटी परेशान, इनकी शादी नहीं हो रही, वो लड़के लड़कियां पता नहीं परेशान है या नहीं कि उनकी शादी हो रही है नहीं हो रही, मगर उनको एक बात का मजा जरूर आ रहा है कि नेटफ्लिक्स पे हमारे शो में हम लोग नजर जरूर आएंगे। मतलब सीमा आंटी ने इतना पैसा बर्बाद किया है नेटफ्लिक्स का, इसकी बजाय वो एक अच्छा शो बनाती, एक रियलिटी शो ही कर लेती यार। मतलब एक कुछ तसल्ली तो होती, हाँ कि हमने कोशिश करी रियलिटी शो बना के, क्या लड़के लड़कियां मिले, बात नहीं बनी, बात खत्म, मगर इसमें तो इन्होंने अरेंज मैरिज का मजाक बना दिया। मतलब ऐसा कुछ चीज मतलब मैंने तो इस दुनिया में नहीं देखी। पता नहीं शायद ये स्क्रिप्टेड है, नहीं है, क्या है क्या नहीं। मतलब मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बोलूंगा कि अपना टाइम बस मत वेस्ट करना है शो देख के, और इसके बारे में बिल्कुल देखना ही मत, और आपके कहीं सजेशन में आ जाना तो बिल्कुल इग्नोर करके डिलीट मार के निकल लेना। मतलब कि इतना वाहियात शो है कि इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं यार आप लोगों को। चलो छोड़ो, वीडियो ना खत्म ही कर देते हैं। एक काम करते हैं, आप ना आ गए हो चैनल पे तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मतलब ऐसे शो से मैं ही बचा सकता हूँ आप लोगों को, मैं बता दूंगा आपको कि ये शो देखने वाला नहीं है, आप बिल्कुल निकल लेना उससे ना, साइड बच के निकल लेना। थैंक यू यार, मतलब मूड खराब यार, हटा।